मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो तीन पार्ट है कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और एप्लीकेशंस ऑफ एमओटी। इनमें से अपन एक पार्ट को कंप्लीट कर चुके थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जहां पर हमने देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ये अपन पढ़ चुके थे। अब इसके आगे कंटिन्यू अपन को सेकंड पार्ट को करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं उनके एनर्जी किस प्रकार से वेरी करती है, वो यहाँ पर देखेंगे। मतलब ये क्या बताते हैं, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को बताएंगे कि किसकी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, तो देखिए यहां पर मैं दो तरह के केस बनाऊंगा अभी। देखो, अगर हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, देखो 1s2 2s2, मतलब डायरेक्ट एनर्जी की बात कर लो आप, तो कॉन्फ़िगरेशन में देखो 1s2s2p इस तरह से चलते हैं ना, केवल मैं यहां तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए एनर्जी यही होती है। ठीक है ना, इन्हें को मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो यहां पर जैसे ये 1s, ठीक है ना, और ये 1s, भाई दो एटम है, ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s बनाया है मैंने, दो अलग अलग एटम के। अब दो एटम के 1s 1s आपस में मिलेंगे तो s से केवल सिग्मा बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें एक तो सिग्मा बॉन्डिंग होगा, दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, होगा ना, सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी तो कम होगी, ठीक है ना, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये यहाँ पर अपन ने बना दिया, इनको इससे मिला दो, ये यहाँ से, समझ में आ रहा है इन सबको ये? तो देखो ये इनमें से एक तो हो गया भाई सिग्मा बॉन्डिंग और एक हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग जेड होता है, जेड होता है ना, तो यहाँ पर जी लिख दो या बी भी लिख सकते हो, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, अनजेड, तो अनजेड यू लिख दो या फिर स्टार आप यहाँ पर लगा सकते हो। समझ में है ना, 1s के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से है, 2s, तो देखो 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है ना, इनको आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना दो, ये 2s हो गया, ठीक है ना, और इनके लिए ये 2s को यहाँ पर बना देता हूँ, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनको, ठीक है ना। तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर बनाएंगे, ये वाले, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर बनेंगे, ये इस तरह से। तो देखिए ये हो गया 2s 2s, समझ में आ रहा है, देखो 2s भी, ये भी तो s ही है, तो सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा, तो देखिए सिग्मा बॉन्डिंग, तो सिग्मा जेड और सिग्मा अनजेड। अब देखिए यहाँ पर अपन ये भी कर सकते हैं, देखो ये एक्चुअली किससे बना है, 1s से है ना, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं और सिग्मा 1s, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं सिग्मा 1s स्टार, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से देखो ये सिग्मा 2s और ये हो गया सिग्मा 2s स्टार, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। अब देखो s के बाद क्या आएगा, p आएगा, p की एनर्जी और ज्यादा। अब देखो s तो अपन को पता ही, केवल सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन p की बात करते तो p में सिग्मा और पाई दोनों बनते हैं, तो सिग्मा भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पाई में भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा केवल एक होगा जबकि पाई कितने बनेंगे, दो बनेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये 2p, p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, नहीं होते, ये 3 p ऑर्बिटल्स, ये अपने 3 बना दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये होगा देखो 2 1, इस तरह से कैसे होगा अभी समझ में आ जाएगा, यहाँ पर बना देता हूं मैं, देखो ये 2 ऑर्बिटल्स और ये 1 ऑर्बिटल, और ये हो गया यहाँ पर 2p, यहाँ पर भी 2p, ठीक है ना, 2p 2p, देखो ध्यान देना, ये इससे इसको मिला दिया, इसी तरह से इससे इसको मिला दो, इसी तरह से इससे इसको, और यहाँ पर इससे इसको मिला दिया। अब देखो सिग्मा तो केवल एक बनता है, जो पाई कितने बनते हैं, दो बनते हैं, तो जहां पर दो बनाए वो पाई है और जो एक बनाए वो क्या है, सिग्मा है।
तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अपन ने बात करी थी कि अगर मॉलिकुलर एक्सिस जड़ एक्सिस है, मॉलिकुलर एक्सिस कौन सा है, जड़ एक्सिस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पी जड़ तो सिग्मा बनाएंगे और पी एक्स पी एक्स एंड पी वाई पाई बनाएंगे। तभी मॉलिकुलर एक्सिस में जड़ मान लेता हूं, जड़ मानेंगे तो देखो ये जो वन है वो तो क्या बनाएगा, सिग्मा, तो ये तो हो गया, देखो सिग्मा किससे बनाइए, टू पी जड़ से, तो फिर ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, ये किससे बनेगा, टू पी, वही टू पी जड़ से ही बना है लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, स्टार लगा दो, समझ में आ रहा है ना। देखो जो दो बने हैं वो पाई होंगे, तो ये टू पी जड़ से बना है, इसका मतलब ये टू पी एक्स और टू पी वाई से बनेंगे, तो देखिए पाई पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, ये बॉन्डिंग ये कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग, तो देखिए पाई टू पी वाई एक्स टू पी एक्स एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग, ये होगा। अब यहाँ पर देखो मॉलिकुलर एक्स जेड है तो ये एक्स वाई आ गया, अगर मान लो मॉलिकुलर एक्सिस को मैं एक्स ले लेता तो यहाँ पर सिग्मा टू पी एक्स हो जाता, तो यहाँ पर फिर सिग्मा टू पी वाई सिग्मा टू पी जेड होता, सॉरी पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड होता, अगर मॉलिकुलर एक्सिस को मैं वाई ले लेता तो यहाँ पर सिग्मा टू पी वाई होता, तो यहाँ पर फिर सिग्मा टू पी एक्स सॉरी पाई टू पी एक्स और पाई टू पी जेड होता, समझ में आ रहा है ना। अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स को नीचे बनाया और एक को ऊपर बनाया। देखो अगर अपन केवल स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी तो भाई सिग्मा की ज्यादा होती है ना, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो सिग्मा की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो सिग्मा तो नीचे मोर स्टेबल लेस एनर्जी होगी ना, और पाई क्या होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन तो कर देंगे ऐसा, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो फिर अपोजिट हो जाती है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जाती है मैग्नेटिक मोमेंट की, उसको फिर इसके द्वारा अपन प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो एमओटी के अंदर क्या कि कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को भी साथ में देखा गया है मैग्नेटिक वैल्यूज की, है ना। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए अपन इसकी बात करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये तो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, और जो बीच वाले बनाए अपन ने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है ना। अब देखो आप ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसको किसके लिए काम में लोगे, देखो यदि मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन या उससे कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है तो आप इसको काम में लोगे, ध्यान देना। जैसे मैंने बात करी, देखो CN CN माइनस, समझ में आ रहा है ना। देखो नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन से कम वाला हो सकता है, जो है बी टू सी टू एन टू एन टू प्लस एटसेट्रा, है ना, वो एच टू वगैरह सब इसी में आ जाएगा, एच टू कौन सा है ना, हाँ हीलियम वगैरह ले सकते हैं, एच टू माइनस वन, इसी तरह से एच टू प्लस वन एटसेट्रा, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर देखो ये हेट्रोडाइटोमिक के लिए भी सेम ही बनेगा, जैसे हेट्रोडाइटोमिक CN CN माइनस, जब हेट्रो का आपको बनाना है ना तो आपको क्या करना है, हेट्रो के केस में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये समझो जैसे आपको ये मान लो CN का बनाना होता, ये किसका बनाना होता, CN का, तो आपको यहाँ पर क्या करना था, देखो एक तरफ तो कार्बन आता, एक तरफ क्या आता, नाइट्रोजन आता नहीं आता, देखो कार्बन वाले और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसके, नाइट्रोजन के ना, तो अपन क्या करते हैं जो नाइट्रोजन के एनर्जी लेवल है ना उनको थोड़ा सा नीचे बना देते, कनेक्ट अभी तो क्या है बराबर बनाए ना, इसके इसके दोनों एटम्स के बराबर है ना। जैसे ये समझा, मान लो ये N2 का होता तो ये भी यहाँ भी नाइट्रोजन होता, यहाँ भी नाइट्रोजन होता, तो अपन क्या करते जितना एनर्जी लेवल इसके बनाए जिस जगह बिल्कुल सामने इसका बनाता, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, बराबर। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर कोई हेट्रोडायटोमिक है, हेट्रोडायटोमिक जैसे मान लो यही मान लिया अपन ने कि यहाँ पर CN होता, जैसे एक तरफ तो कार्बन और एक तरफ क्या होता नाइट्रोजन, तो उस कंडीशन में क्या करते कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके एनर्जी लेवल को थोड़ा सा अपन नीचे बनाते, बाकी कोई चेंज नहीं होता, बाकी सब कुछ क्या होता सेम होता, ठीक है ना। तो ये अपन ने जो काम में लिया है ये किसके लिए, होमो और हेट्रो दोनों के लिए होगा, बस अंतर क्या है कि होमो डायटोमिक में तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होगी, लेकिन हेट्रो डायटोमिक के केस में क्या होगा कि जिस एटम की एनर्जी ज्यादा है, सॉरी जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज्यादा है उसके एनर्जी लेवल को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। इसके अलावा और कोई चेंज आपको नहीं करना। ये समझ में आ रहा है सबको? अब देखो, अगर मान लो कि इनके अलावा जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है उस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन से ऊपर का एक भी एटम निकल जाता है, ध्यान देना क्या बोला, जो मॉलिक्यूल आपको दिया है उस मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन के ऊपर का एक भी एलिमेंट निकल जाता है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर चेंज करोगे। मतलब यहां पर दो ऑर्बिटल नीचे एक ऊपर बनाया ना, आप एक नीचे और दो ऊपर बनाओगे। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं करना। करने का मतलब ये जो पार्ट इधर देखो सभी, ये जो पार्ट है ये वाला, ये इस पार्ट का आपको रिवर्स करना है। इसको क्या करना है? रिवर्स करना है। रिवर्स 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 मतलब यहां पर देखो, वन को तो आपको नीचे बनाना है और टू को क्या बनाना है? ऊपर बनाना है। ये समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहां पर हो गया ये जो सिग्मा टू पी जेड, तो यहां पर क्या होगा? पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं करना, पाई टू पी वाई। ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना? तो ये आपको किसके लिए काम में लेना है? जब कोई भी नाइट्रोजन के ऊपर का एटम आ जाता है, जैसे यहां पर अपन बात करें जैसे NO, NO प्लस, समझ में आ रहा है ना, NO माइनस, O2, O2 प्लस, O2 माइनस वन, O2 माइनस टू, F2, इस तरह के जो मॉलिक्यूल है उसको इस कैटेगरी में अपन रखेंगे। देखो CO कार्बन मोनोक्साइड का में थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको अपन अलग से लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना, उसमें कुछ वेरिएशन है एटसेट्रा यहां पर होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे इनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो आपको क्या ये सब सेम रखना है, केवल क्या करना है, इस जगह पर आप ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखोगे। इसके अलावा और कोई परिवर्तन आपको नहीं करना। समझ में आ रहा है? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, अरे आपसे किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए, ये तो हो गया भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखिए एप्लीकेशन साथ में इसमें लेंगे अपन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर आपको किस किस की कैलकुलेशन करनी है। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर आपको बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करनी, बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेशन करनी, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में देखना है और स्टेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। समझ में आ रहा है? तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना, समझना। देखो सबसे पहले अपन बात करें बॉन्ड ऑर्डर, देखो इधर देख लो, लिख लेना। सबसे पहले अपन किसकी बात करें? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब समझते हो ना सभी? जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर वन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर टू है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर थ्री है। मतलब टू बॉन्डेड एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, टू बॉन्डेड एटम के बीच, ध्यान देना, टू बॉन्डेड एटम के बीच जितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो यहां पर एक तरीके क्या है, देखो ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना? तो देखो एन बी से मतलब है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और एन ए से मतलब है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो आपको एक्चुअली सभी को देखने की जरूरत नहीं होती, जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग आप इलेक्ट्रॉन देखोगे तो देखो जिन ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब जो कंप्लीट नहीं भरा, केवल आप उन्हीं को काउंट कर लेना। जैसे ये समझो आपने जैसे लिया नाइट्रोजन, आपने जैसे लिया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है? नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3 है या नहीं? तो देखो जब आप ये एटॉमिक ऑर्बिटल में आएगा इलेक्ट्रॉन, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, तो नाइट्रोजन केस में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, फिर टू यहाँ पर, फिर टू यहाँ पर, है ना, ये 1s को नीचे लिख देता हूँ, यही होगा ना, टू यहाँ पर, टू यहाँ पर, यहाँ पर थ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टू यहाँ पर, टू यहाँ पर, यहाँ पर कितने जाएंगे? थ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे?
अगर थ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो ये तो कंप्लीट भर गया ना, 1s2 2s2, ये भी कंप्लीट भर गया, कंप्लीट भर गया, तो इसी तरह से इधर भी भर जाएगा, तो कुल मिलाकर ये तो कंप्लीट भर जाएंगे यहां तक, तो आपको इनके इलेक्ट्रॉन को काउंट करने की आवश्यकता नहीं यहां पर। अब आप ये इसमें देखोगे तो थ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 2 3 6 आ सकते हैं, लेकिन कंप्लीट थोड़ी भरा है, 3 बचे ना, तो आप केवल इसके इलेक्ट्रॉन को देख लो, इसके और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे ना, आप केवल उनको देख लो, 6 हो जाए, तो या 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आप जीरो कर देना डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना आप इस तरह, क्योंकि भरे हुए को इनको भरने वाले को काउंट करने से कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि जितने बॉन्डिंग उतने एंटी बॉन्डिंग, तो फर्क थोड़ी पड़ेगा यहाँ पर, नहीं पड़ेगा ना, इसलिए आप केवल किसको काउंट करना, वैलेंस सेल वाले को, सभी को काउंट करने की जरूरत नहीं, वैलेंस सेल में भी आप सबसे बाहर वाले को देखना, समझ में आ रहा है ना, जिसके अंदर जो कंप्लीट नहीं भरा हुआ है केवल उसको देख लेना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया, ज्यादा कम हो गया ना, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर होगी, हो गया ना, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नहीं होगी, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो देखो यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है आपको, देखो कभी कभी क्या होता है कि दो ऐसी स्पीसीज है जिनमें बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, दो ऐसी स्पीसीज है जिसके लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, फिर उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कैसे करोगे, ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखने, ध्यान देना मैंने क्या बोला, यदि दो स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिस स्पीसीज में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहां पर अपन लिख सकते हैं If bond order is same, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सेम हो तो इस कंडीशन में क्या करोगे, देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो इस कंडीशन में अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो यहां पर लिख देते हैं, देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज, समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है क्या। तो अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होंगे वहां स्टेबिलिटी कम होगी, जहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन ये तो आपको तभी अप्लाई करना है जब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सेम हो, लिखा हुआ है ना यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ठीक है ना, पहले इसको देख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको देखना है, अगर मान लो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो स्पीसीज पैरा मैग्नेटिक होगी, और अनपेड इलेक्ट्रॉन एबसेंट है तो वो डाया मैग्नेटिक होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें केस बना सकते हैं, जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ये प्रेजेंट होते हैं तो स्पीसीज क्या होगी, पैरा मैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है तो स्पीसीज क्या होगी, पैरा मैग्नेटिक। और देखो बी अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो उस कंडीशन में स्पीसीज क्या होगी, स्पीसीज होगी डाया मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है सबको। तो उस कंडीशन में स्पीसीज क्या होगी, डाया मैग्नेटिक होगी, कोई डाउट है क्या आता किसी को,
नहीं ना। अब देखो ये जो सारे पॉइंट लिखे हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको कुछ एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे यहां पर मैं केस ले रहा हूं H2 प्लस एंड H2 माइनस, ये ले लेता हूं। ध्यान देना, केस ले यहां पर H2 प्लस एंड H2 माइनस, ये केस ले लिया, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले बात करें जैसे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में भी क्या होगा, एक बना देता हूं। देखो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम होगा ना, तो ये हाइड्रोजन एटम का केवल 1s1 ही है, तो इसका 1s, इसका 1s, ठीक है ना। अब 1s से 1s ओवरलैप करेगा तो ये होगा मतलब सिग्मा बॉन्डिंग, मतलब सिग्मा जेरेड और सिग्मा अनजेरेड, सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहां पर होगा। अब देखो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम का 1s1 ही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इसमें गया, तो 1+1 टू इलेक्ट्रॉन हो गया ना, टू इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, केवल इसमें भर गए भाई। इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में भरोगे ना आप, इधर के इलेक्ट्रॉन और इधर के इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट जोड़ लो, जोड़ने के बाद फिर बीच में एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते जाओ, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 10, यू बनोगे 9, 10, 11, 12, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है देखो, ये से जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब यहां पर 9, 10 ऐसे, फिर 11 नंबर का यहाँ जाएगा, फिर 12 नंबर का यहाँ पर आएगा, समझ में आ रहा है ना, फिर 13, 14 ऐसे, उसके बाद में देखे 15, फिर 16 ही आएगा, फिर 17, फिर 18 यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद में 19, 20, समझ में आ गया ऑर्डर बढ़ने का। यहाँ बढ़ना है, अगर मान ली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता तो 8 तक तैयार हो ही जाता, फिर अगर 8 तक तैयार हो जाता ना, तो उसके बाद में यहाँ पर आता 9, 10 इसमें, उसके बाद 11 और 12, उसके बाद 13 और 14, ये ऐसे बढ़ते, समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, क्लियर है नहीं आता, ये अपने पास हो गया। अब देखो ये हो गया H2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब सबसे पहले अपन बात करें जैसे बॉन्ड ऑर्डर की, देखो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है अपॉन 2, इक्वल कितना होगा 1.0, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया भाई 1.0। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए इसको काउंट नहीं करना, किसको काउंट करना है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे बीच वाले में, इनको काउंट करना है, ठीक है ना। तो बीच वाले में कितने आ रहे हैं, 2 है ना, जिसमें कोई अनपेड थोड़ी है, नहीं अनपेड नहीं है, तो कौन सा होगा, ये डाया मैग्नेटिक होगा, नहीं होगा डाया मैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो मॉलिक, अब ध्यान देना एटम का तो अपन को पता है 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह से अपन चलते हैं। अपन को बात करनी किसकी, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बीच वाले है ना, आपको इसका देखना है। तो देखो यहाँ पर होगा सिग्मा जेरेड, 2 इलेक्ट्रॉन है स्क्वायर, या आप यू भी लिख सकते हो सिग्मा 1s स्क्वायर, ये होगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे इधर देखो नेक्स्ट केस ले लिया, जैसे अपन ने H2 प्लस ये ले लिया, देखो अब इधर देखो H2 प्लस के केस में क्या होगा, H2 प्लस के केस में 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी इसमें, एक ही है ना, तो एक तरफ तो H और एक तरफ H प्लस आ गया, यही सीधा H2 में से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें से जाएगा, तो इसमें केवल एक ही बचेगा ना, एक बचेगा तो बॉन्डिंग तो हो गया 1 और एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, 0/2 = 0.5, तो कौन सा, अब तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, एक होता है, तो कौन सा होगा, पैरा मैग्नेटिक, ये हो गया भाई पैरा मैग्नेटिक, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। अब देखो पैरा मैग्नेटिक होते क्या होगा, यहां पर
है ना। अच्छा, इसका अगर अपन बात कर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 पैरामैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या आएगा, देखो केवल सिग्मा जेड वन एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर सिग्मा वन एस वन, ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है कि किसी को नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट केस ले, जैसे यहाँ पर एच टू माइनस, जैसे ये ले लिया एच टू माइनस में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, टू तो पहले तो एक और जोड़ दिया, थ्री हो गए ना, थ्री होते देखो वन टू थ्री, इसका मतलब टू तो बॉन्डिंग में और वन किस में चला गया, एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर क्या करोगे, थ्री माइनस वन अपॉन टू इक्वल 0.5, हाँ एक मिनट होगा, टू टू माइनस वन अपॉन 0.5, टू तो इसमें चले गए वन इसमें चले, तो टू माइनस वन अपॉन टू इक्वल 0.5, ये हो गया। तो देखो यहाँ पर टू यहाँ पर वन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आया नहीं आया, आ गया ना, तो ये भी पैरा मैग्नेटिक हो गया, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना इसमें, हो गया ना वन टू थ्री, एक बार हो गया तो अनपेड हो गया ना, ठीक है ना, डाया मैग्नेटिक हो गया। अब देख सॉरी पैरा मैग्नेटिक, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो सिग्मा के अंदर इसमें भी सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1, यहां ऐसे लिख दो सिग्मा 01 सिग्मा 01 सॉरी सिग्मा 02 सिग्मा 01, वहां भी लिख सकते सिग्मा 02 सिग्मा 01, ऐसे लिख सकते हो, या आप कैसे लिखते हो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो अपने पास तीन स्पीशीज यहां पर हो गए, देखो H2 प्लस और H2 माइनस हो गया। अब देखो जैसे इनको अपन को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखो ध्यान देना, स्टेबिलिटी भाई सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो उसकी होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना है, वन है, तो वन है तो हाइड्रोजन तो सबसे पहले आ गया, जबकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर समान है ना, एच टू प्लस का भी 0.5 है और एच टू माइनस का बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 है। जब बॉन्ड ऑर्डर समान आ जाए तो आपको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना है, देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो आप, एच टू प्लस के अंदर तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जबकि एच टू माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वन आ रहा है, जहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब एच टू प्लस और एच टू माइनस में लेस स्टेबल कौन होगा, एच टू माइनस, क्यों होगा, क्योंकि एच टू माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, समझ में आ रहा है ना। तो H2 प्लस H2 माइनस में से H2 माइनस लेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इसका मतलब मोर स्टेबल H2 प्लस वाला, तो H2 प्लस मोर स्टेबल है H2 माइनस के कंपैरिजन में, समझ में आ रहा है ना। देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर पर यहाँ पर तो 1.0 है, जबकि इन दोनों केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 0.5, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होने पर आपको देखना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें है ही नहीं, जबकि इसके केस में वन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। अब देखो आपको बॉन्ड लेंथ देखना है, तो बॉन्ड लेंथ आप तो स्टेबिलिटी का अपोजिट कर दो, समझ में आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में, एच टू माइनस उससे कम, एच टू प्लस उससे कम, H2, ये बॉन्ड लेंथ हो गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये तो डायमैग्नेटिक है, ये वाला ये तो क्या है, डायमैग्नेटिक है, जबकि ये दोनों कौन से है, ये दोनों पैरा मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना, ये हो गया इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, समझ में आ रहा है यहां तक, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना, करो देखिए यहां तक नोट पहले, है ना, नोट कर लो यहां तक सभी पहले। हाँ कर लिया सबने, हाँ
कहाँ पर एच टू? हाँ क्या ये नहीं बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि एटॉमिक जितने भी एटम है ना उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बीच वाले में भरा जाता है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जाते, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना ये तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया एच टू और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से नहीं निकल रहा, नहीं समझ में आया? जैसे मान लो एच टू है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है ना, अब एच टू प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में से थोड़ी निकालते हो, मॉलिक्यूल में से निकालते हो, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, तो यहां पर तो भरो नहीं भरो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली मॉलिक्यूल में से निकलता है, पर्टिकुलर एटम में से नहीं निकल रहा, ये तो केवल अपन समझाने के हिसाब से लिख देते हैं इधर इधर, फिर भी आप लिखना चाहो तो एक तरफ H लिख दो और एक तरफ H प्लस लिख दो, H प्लस में जीरो कर दो H में, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने तो एक तरह से एटम में से निकाल दिया, फिर समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन किस में से निकाले जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, कैसे अप्लाई करना है, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है ना, ये लिख रखा है ना सबने, देखो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लेकर देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं और इसको देखते, देखो आपको क्या करना है, मिटा दो ना इसको, यहां तक कर रखा है सबने, देखो इसको भी हटा देता हूँ यहां से, देखो समझना, देखो कुछ और केस लेकर देखते हैं, पर ये समझा आप, जैसे सपोज करो अपन ने बात करी ऑटो की, ऑटो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, समझ में आ रहा है ना, अब देखो ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट आप यही से देख लो, ठीक है, ये कंप्लीट भरा हुआ है, ये कंप्लीट भरा हुआ है, ये कंप्लीट भरा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना इनसे वो कंप्लीट भर जाएंगे, आप सीधा इसका बना लो जिसके अंदर जो कंप्लीट नहीं भरा, तो देखो केवल इसका बना लो, समझ में आ रहा है ना, तो देखो जब केवल इसका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये इधर वाला केस आ गया ना, तो यहां पर यह 1 2 ये 2 और 1, ये इस तरह से अरेंजमेंट है, समझ में आ रहा है ना, ये टोपी टोपी लगे, टोपी 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 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और 4, समझ में आ रहा है, अब ये 4 4 कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 8 इलेक्ट्रॉन ना भर दो, तो देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, तो देखो ये तो क्या है, सिग्मा 2pz हो गया, सिग्मा 2pz, ये क्या हो गया, पाई 2px, ये पाई 2py, ये हो गया पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये सिग्मा स्टार 2pz, जब मॉलिक्यूलर एक्सिस जेड एक्सिस मानते थे ऐसा होगा, अगर होगा तो चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, देखो ये यहां से देखो ये ऊपर वाले हैं, ये वाले है ना, चलो इनको रन दो ऐसे, समझ में आ रहा है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये इससे ये ऊपर के एंटी बॉन्डिंग और नीचे वाले बॉन्डिंग हो जाएंगे, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखे तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्यों लास्ट का ही लिख दो, इसका ही आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, यहां से शुरू कर दो, तो यहां तक का तो भरा ही है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*2, यहां तक हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट फिर ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, मैं यही से शुरू कर देता हूं, चाहो तो आगे से पूरा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
देखो यहां से शुरू करेंगे तो देखो क्या होगा, सिग्मा 2pz2, सिग्मा 2pz2, फिर क्या होगा देखो, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई 2px2 और पाई 2py2। देखिए इन दोनों की एनर्जी बराबर है ना, इसलिए इक्वल लगा दिया, और इसके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी ज्यादा है इसके का, इसलिए ये लगा रखा है साइड, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो इनकी एनर्जी और ज्यादा है तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा, देखो ये क्या होगा पाई 2px*2, दोनों की एनर्जी बराबर है पाई 2py*2, समझ में आ रही है, ये हो गया। अब ऊपर वाला तो खाली 2 थोड़ी, 1 1 है ना, यहाँ तो 1 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अब ऊपर वाला तो खाली ही नहीं है, देखो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो ये हो गया। अब डायरेक्टली देखा, अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो देखो एंटी बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए है ना, बॉन्डिंग में कितने के बाद 2 4 6, तो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 अपॉन 2 इक्वल 2.0, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.0। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, आ रहे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो यहाँ पर हो गया 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये क्या होगा पैरा मैग्नेटिक है, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ऑक्सीजन बाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है, ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव करता है बाई रेडिकल, समझ में आ रहा है ना, कई रिएक्शंस में किंचर के फॉर्म में काम में लेते हैं इसको, किंचर मतलब जो रेडिकल्स को डीकम्पोज करे, क्योंकि बाई रेडिकल की तरह काम करता है, तो जो दूसरे रेडिकल होते हैं उनके साथ जुड़कर तुरंत बॉन्ड बना लेता है, इसलिए किंचिंग एजेंट की फॉर्म में काम में लिया जाता है ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है ना। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए बाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है, एक्ट एच, एक्ट एच बाई रेडिकल, एक्ट एच बाई रेडिकल, समझ में आ रहा है ना, ये बाई रेडिकल की तरह बिहेव करता है, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना, तो मेरे साथ क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब देखो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप पूरा मत बनाओ, केवल यहां से देख लो सीधा जो काम में आ रहा है कुल मिलाकर उसको देख लो, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट केस हमने ले जैसे नाइट्रोजन का, देखो एंटो मॉलिक्यूल ले, एंटो मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो भाई इसमें चलोगे ना, अब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3, तब अपन को देखना है जैसे एंटो का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एंटो का देखोगे तो बीच वाले में इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो नाइट्रोजन में देखो केवल ये ले लो 2p3, तो 2p3 इधर आएगा, 2p3 इधर आएगा, तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यही पर रह जाएंगे, पाई 2px2 पाई 2py2 भाई 1 2 3 4 5 6, यही तो जाएगा सिग्मा 2pz2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है क्या था? नहीं ना, तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के कैलकुलेशन करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, से एंटी बॉन्डिंग 0 हो गया, 6/0 / 2=3.0, ये यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान देना यहाँ पर एक बात और समझना, जैसे नाइट्रोजन के लेकर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखिए तो किस तरह से बनेगा, देखो टो वन और ये टो वन, ये है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया टो पी, और यहाँ पर इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये समझ में आ रहा है सबको, ये
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। अब देखो समझना आप, जो आपने इलेक्ट्रॉन भरे है वो इस तरह से है, ये 2px, 2py, 2pz इलेक्ट्रॉन भरे है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही है ना। तो देखो ध्यान देना, हाईएस्ट एनर्जी का भरा हुआ ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला है। जो हाईएस्ट एनर्जी का भरा हुआ ऑर्बिटल होता है उसको होमो कहते हैं, और समझ में ना, हाईएस्ट एनर्जी का जो भरा हुआ ऑर्बिटल होता है उसको क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं। तो ये होमो हुआ नहीं हुआ, ये कौन सा हो गया, होमो। होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है। और जो लोवेस्ट एनर्जी का, सबसे कम एनर्जी का खाली होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, उसको ल्यूमो बोला जाता है। तो सबसे कम एनर्जी का खाली कौन सा ये है, ये, तो ये कौन सा हो गया, ये ल्यूमो हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये जो होमो है ये तो कौन सा है, ये होमो एक्चुअली ये यहाँ पर लिखा ना, ये वाला, ये होमो यही तो है, ये तो सिग्मा 2px सिग्मा 2py सॉरी पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, तो ये तो हो गया एक्चुअली सिग्मा 2pz बॉन्डिंग है ना। अब देखो जो ल्यूमो है, ल्यूमो कौन सा, ये ल्यूमो, तो ये कौन सा बनेगा, देखो पाई 2px स्टार पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, तो कुल मिला के पाई स्टार हो गया ना। तो ल्यूमो कौन सा हो गया, पाई स्टार, समझ में आ रहा है। तो अगर अपन ट्रांजिशन की बात करें, होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन, अगर हम बात करें ट्रांजिशन की, देखो होमो टू ल्यूमो इधर लिख देता हूं, ये या लिख देता हूं, ठीक है ना। हाँ इसका हो गया, ये कर रखा है सबने, है ना, इसी जगह पर लिख देता हूं, कर रखा है ना सबने। देखो तो नाइट्रोजन में देखो आप ध्यान देना, जो ट्रांजिशन हो रहा है होमो टू ल्यूमो, वो एक्चुअली क्या हो गया कि ये तो सिग्मा है और ये क्या है, पाई स्टार। तो देखो जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन कौन सा हो गया, देखो ट्रांजिशन हो गया सिग्मा तो पाई स्टार, ये ट्रांजिशन है किसके केस में, नाइट्रोजन के केस में। ट्रांजिशन ऑलवेज होमो टू ल्यूमो होता है, ट्रांजिशन हमेशा किसके बीच में होता है, होमो और ल्यूमो के बीच में। तो भाई ये तो होमो है और ये कौन सा हो गया, ल्यूमो हो गया। देखो इस ट्रांजिशन के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन में एक्चुअली क्या होता है कि होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो देखो रिक्वायर्ड हाई एनर्जी फॉर दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी की ज्यादा है, हाई एनर्जी, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट की है कि यहाँ पर होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप क्या है, काफी ज्यादा है। तो ड्यू टू, यहाँ पर लिख देते हैं, ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो है ना। फुल फॉर्म लिख लेना इनकी, होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ल्यूमो का मतलब क्या होगा, लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड है, डायरेक्ट लोवेस्ट भी कर दो, लाइटिंग है ना, बनाओ यहां तक देख कल। तो एक बार समझाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट कैसे समझाएंगे। तो डायरेक्ट ही तो निकाला है, देखो डायरेक्ट उसी को बनाया है जो काम में आ रहा है, ठीक है। ये वो कह रहा, आप नेक्स्ट और भी कर सकते हैं ना, इसको भी नहीं बनाना, पीपुल फील हो तो नहीं बनाना, हाँ पीपुल हो तो उसको नहीं बनाना।
है ना, बैंक जरूरत नहीं पड़ती, आटे की जरूरत पड़ती है। तो देखो लेमो का मतलब क्या है, लोवेस्ट, लेमो का मतलब क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो देखो ध्यान देना, नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है समझना। देखो नाइट्रोजन के केस में एक तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहा है, कितना है 3.0, तो बॉन्ड ऑर्डर हाई हो गया। और दूसरा होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण ट्रांजिशन आसानी से नहीं होता, ट्रांजिशन आसानी से नहीं होने का नहीं होता। इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, इससे फर्क पड़ेगा कि नाइट्रोजन का एक्साइटेशन आसानी से नहीं होता, मतलब नाइट्रोजन अपने एक्साइटेड स्टेट में आसानी से जाएगा ही नहीं। जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं तो उसके अंदर इनर्टनेस आ जाएगी, कुल मिलाकर उसके अंदर क्या जाएगी, इनर्टनेस। देखो मैंने पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन काफी ज्यादा इनर्ट होता है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी बहुत कम होने के दो रीजन है, कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर काफी ज्यादा, दूसरा नाइट्रोजन के लिए होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने एक्साइटेड स्टेट में आसानी से नहीं जा पाता। समझ में आ रहा है ना, इसलिए नाइट्रोजन के अंदर इनर्ट नेचर आ जाती है। बातें मत कर बेटा। और आपको ये पता होगा कि कई केमिकल रिएक्शंस के दौरान, कई ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान नाइट्रोजन को इनर्ट गैस के रूप में काम में लिया जाता है, मतलब इनर्ट एनवायरमेंट जनरेट करने में काम में लिया जाता है। समझ में आ रहा है, उसका रीजन क्या है, ये नाइट्रोजन की इनर्ट नेचर होती है। इनर्ट नेचर होने का रीजन क्या है, क्योंकि एक तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और दूसरा होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से नाइट्रोजन के अंदर इनर्ट नेचर आ जाती है और कई रिएक्शंस में हम इसको इनर्ट गैस की फॉर्म में काम में लेते हैं। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है कि किसी को, ये लिख रखा है सबने नीचे ना, लिख रखा है ना, देखो ये तो इसको मैं लिख देता हूं, देखो यहां पर देखो N2 गैस इज यूज्ड एज इनर्ट गैस इन मेनी ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है ना, तो देखो ध्यान देना, N2 गैस इज यूज्ड एज इनर्ट गैस इन मेनी ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू इनर्ट नेचर ऑफ N2। ठीक है ना, देखो नाइट्रोजन की जो इनर्ट नेचर है, इनर्टनेस वो काफी ज्यादा होती है, रीजन क्या है, क्योंकि एक तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और दूसरा क्या है, होमो और ल्यूमो के बीच लार्ज एनर्जी गैप है। ठीक है ना, तो देखो N2 इज ए हाईली इनर्ट गैस, N2 इज ए लेस रिएक्टिव गैस, मतलब रिएक्टिविटी बहुत कम है, मतलब इनर्टनेस ज्यादा है, तो N2 इज ए लेस रिएक्टिव गैस ड्यू टू देखो ए हाई बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, कितना है बॉन्ड ऑर्डर 3.0, और भी कौन सा है, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो, देखो लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कई के दिमाग में ये भी हो सकता है कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो भाई स्टेबिलिटी तो किसकी ज्यादा है, सिग्मा या पाई की, सिग्मा की ज्यादा होते ना, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है वो तो नीचे आना चाहिए, और मतलब सिग्मा नीचे आना चाहिए, और जिसकी स्टेबिलिटी कम है पाई की वो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अपोजिट बना रखा है ना, तो देखो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसा कैसे होता है। देखो अगर हम जैसे बात करें
B2 की। B2 की बात करें तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, 1s2, तो s2 2p1 ये है ना। बोरोन के पास पोस्ट इसमें p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 इलेक्ट्रॉन आए। अब सपोज करो इसको मैं नॉर्मल ऑर्डर में रखता, मतलब ये ऐसा बनाता, सिग्मा को नीचे और पाई को ऊपर, इसको ऐसा बना देता, तो बोरोन के केस में भाई बोरोन के लिए यही तो बनेगा इधर वाला। तो बोरोन के केस में ये मान लो आप तो कि बोरोन के लिए मैं इसको बना रहा हूं, तो क्या होगा, पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो B2 के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना पी में। या टोटल देख लो आप तो इसके अंदर बी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 5। तो B2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आपको कहां बढ़ना है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बढ़ना ही नहीं बढ़ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 यही होगा, होगा नहीं होगा। 9, 10 आते यहाँ पर देखो दोन पेड़ इलेक्ट्रॉन आ गए, दोन पेड़ इलेक्ट्रॉन आते बोरोन की नेचर कौन सी जाएगी, पैरामैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंटली बोरोन पैरामैग्नेटिक ही होता है भैया, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो पता लगा सकते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, होता ही नहीं होता, फैराडे मेथड है, क्विज बैलेंस है, उनके बेसिस पर आप पता लगा सकते। तो देखो ये केस हो गया कि बोरोन पैरामैग्नेटिक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो बोरोन पैरामैग्नेटिक ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं नॉर्मल ऑर्डर मान लेता हूं कि ऐसा कर लेता हूं, तो ऐसा करते है क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो 9, 10, 10 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में भर रहे हैं, 9, 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरते, पेयरिंग हो गई, पेयरिंग होते या डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बोरोन डायमैग्नेटिक होता ही नहीं है, इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं है। अब आप चाहे स्टेबिलिटी को कितना भी देख लो लेकिन वो प्रूव तो नहीं हो रही है, एक्सपेरिमेंटल डाटा, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको नहीं बता रही हो, एक्सप्लेन ही नहीं कर रही। तो थ्योरी एक्चुअली पहले थोड़ी आती है, अपने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पहले भाई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए उसके अकॉर्डिंग थ्योरी दी जाती है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले थ्योरी आ गई फिर उसके बेसिस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना। रिसर्च लेवल की बात करो, अपन तो क्या करते, अपन तो थ्योरी पढ़ के करते हैं सब, ठीक है ना। लेकिन जो पर्टिकुलर रिसर्च कर रहा है वो ऐसा थोड़ी करता है, वो पहले रिसर्च करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा कई ज्यादा, उन एक्सपेरिमेंट के जो डाटा होगा उनसे कंक्लूजन निकालकर फिर थ्योरी देगा उसके अनुसार, ठीक है ना। तो ये सब के कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है, समझ में है ना। अगर अपन नॉर्मल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऐसा करते तो B2 डायमैग्नेटिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली डायमैग्नेटिक है ही नहीं, ये तो कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है तो भाई तभी सब पॉसिबल है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो जैसे अपन और केस की बात करें, जैसे अपन ने सपोज कर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में कितने हो गए, 16, मतलब मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब 16 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप यहां पर देखो, यहां पर चले गए 15, 16, या इसके बोले यहां तक का तो कंप्लीट भर गया ना, यहां तक का कंप्लीट भराते तो भरा हुआ ही है, तो इसमें आप चाहे इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरो चाहे इसमें भरो, यहां तो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो कंप्लीट भर गया ना, इसलिए यहां पर अपन फिर नॉर्मल ऑर्डर लिख देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के ऊपर का जाता है इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर हो गए ना, 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते, ये तो कंप्लीट भर गया नीचे वाला, तो फिर नॉर्मल ऑर्डर लिख देते हैं कि सिग्मा की एनर्जी कम है और पाई की एनर्जी क्या है ज्यादा है, इसलिए यहां पर ऐसा कर देते, क्योंकि यहां पर अब चेंज करो मत करो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो फिर ऑर्डर के नॉर्मल जो आना चाहिए वाक्य में वही अपन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, इसलिए केवल इसको चेंज करते हैं, ऊपर वाले को चेंज अपन नहीं करते। तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, करना क्या है, क्या डाउट है, क्या समझ में। तो ये सबके सब किस वजह से दिए, अपने एक्सपेरिमेंटल जो डाटा होते हैं उनको प्रूव करने के हिसाब से, क्या डाउट है, क्या हाँ ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। ये लिख रखा है सबने, लिख रखा है ना। देखो ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, अपने नेट और गेट के एग्जाम में सारे क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं,
नाइट्रोजन इनर्ट होती है क्यों, है ना, होम और ल्यूमो के बीच लार्ज एनर्जी गैप है, बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है, इस तरह से ना। देखो एक केस और देखना, आप समझना, जैसे अपन बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन की, ठीक है ना, अपन बात करें जैसे फ्लोरीन की। अब देखो फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फ्लोरीन एटम का 1s2 2s2 2p5 यही होगा ना, ठीक है ना। तो केवल मैं pp को बना दो सिर्फ, तो देखो 3p और ये 3p, यहां पर देखो ये नाइट्रोजन से ऊपर वाले गए ना, तो ऑर्डर यहां पर रिवर्स हो जाएगा, नॉर्मल तो 2 1 2 1 इस तरह से आता है, 2 1 2 1 नॉर्मल तो इस तरह से आता है ना, इसमें चेंज होगा फ्लोरीन के केस में, तो 1 2 फिर 2 1, ठीक है ना। तो ये देखो 1 2 2 1 समझ में आ रहा है ना, इस तरह से अपन ने यहां पर ये कर दिया। कोई डाउट है कि किसी को नहीं है ना। अब देखो यहां पर क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरने तो किस तरह से भरोगे, देखो आपको कितने 5 इलेक्ट्रॉन दिए इधर है, 1 2 3 4 5 फाइव इधर है, 1 2 3 4 5 ये 2p 2p, ये तो भाई फ्लोरीन के केस है, 2p 2p ये फ्लोरीन एटम फ्लोरीन, जबकि बीच में F2 का केस है, तो टोटल कितने 5 5 10 हो गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये होमो है, ये क्या हो गया होमो है, और ये क्या है, ये ल्यूमो हुआ, ल्यूमो। देखो जो होमो है वो तो कौन सा गया, पाई हो गया, लेकिन पाई एक्स 2px 2py, पाई 2px हो गया स्टार, है ना, और पाई 2py स्टार, ये कौन सा गया सिग्मा 2pz स्टार, तो ये तो हो गया पाई स्टार, होमो गया पाई स्टार, और ल्यूमो कौन सा है सिग्मा स्टार, तो इसका मतलब हेलोजन के अंदर जो ट्रांजिशन होगा वो कौन सा होगा, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार होगा ना, तो यहां पर ये ट्रांजिशन, ये वाला ये ट्रांजिशन कौन सा हो गया, देखो ये हो गया पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन समझ में आ रहा है ना, ये जो ट्रांजिशन होता है ये हेलोजन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान देना मैंने क्या बोला, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हेलोजन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, ये क्वेश्चन भी अपने नेट में पूछा जा चुका है, हेलोजन के कलर किसकी वजह से होता है, कौन से ट्रांजिशन की वजह से होता है, पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, समझ में आ रहा है ना। तो देखो पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ट्रांजिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ हेलोजन, कलर ऑफ हेलोजन, समझ में आ रहा है। अच्छा अब ध्यान देना, जैसे अपन ने अभी फ्लोरीन का बनाया, अब आपकी इच्छा हुई नहीं हम तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्लोरीन का बनाएंगे, ब्रोमीन का बनाएंगे, आयोडीन का बनाएंगे, भाई बनाने की जरूरत ही नहीं, आपने फ्लोरीन का बना लिया ना, तो एक ग्रुप के सभी एलिमेंट का सेम होता है, अंतर क्या होता है, जैसे फ्लोरीन के केस में 2p 2p है, क्लोरीन के केस में 3p 3p आ जाएगा, ब्रोमीन का केस है तो 4p 4p, आयोडीन का केस तो 5p 5p, तो सबको सेम ही तो होगा, इसलिए अपन को उससे इससे ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप पहले एलिमेंट का बना लो, पहला जो मॉलिक्यूल बनता है ना ऊपर का, जैसे फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो उसका बना लिया, मतलब सभी का सेम है, कोई अंतर नहीं आने वाला, समझ में ना, इसलिए यहां पर डायरेक्ट लिखा है अपने पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ हैलोजन, यहां पर लिखा है कलर ऑफ फ्लोरीन, है ना, क्यों किसने कहा बेटा, ट्रांजिशन होने के बाद सब कलर्ड हो सकते हैं, वो तो ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, देखो ऐसा कहीं भी नहीं है कि डायमैग्नेटिक कलर्ड लेस होता है, होता क्या है कि अगर किसी ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी है कि वो विजिबल रीजन से बिलोंग कर जाए तो 100% वो कलर्ड होगा, और विजिबल रीजन से बिलोंग नहीं करते तो कलर लेस होगा,
ध्यान देना मैंने क्या बोला, जैसे इस ट्रांजिशन के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो अगर ये एनर्जी विजिबल लाइट की एनर्जी के बराबर है तो एब्जॉर्प्शन विजिबल रेजिन से होगा भाई, तो कलर्ड होगा। और लेकिन अगर उससे ज्यादा या कम है, कैसे विजिबल रीजन की जो एनर्जी है उससे ज्यादा है या कम एनर्जी है, दोनों ही कंडीशन में फिर कलरलेस हो जाएगा। क्योंकि अगर कम एनर्जी का है तो एब्जॉर्प्शन आपका उसमें चला गया, विजिबल के पहले कौन से आ गया, आईआर। और यदि ज्यादा एनर्जी है तो एब्जॉर्प्शन किससे चला गया, आपका अल्ट्रावायलेट से चला गया। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट है क्या तक? नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखो हेलोजन के केस में क्या होता है, देखो हेलोजन के केस में क्या होता है, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाता है हेलोजन का, वैसे वैसे कलर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, कलर इंटेंसिटी। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन तो लगभग लगभग कलरलेस है ना, हल्का फुल्का होता है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन पर जाओगे तो ब्राउन टाइप की हो गई थोड़ी बहुत, ठीक। आयोडीन आपकी कौन सी हो गई, बैंगनी, वायलेट है या नहीं? तो कलर इंटेंसिटी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही? तो कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पर मास नंबर बढ़ता है, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर या मास नंबर लिख देता हूं, देखो एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, ऑफ हेलोजन इंक्रीज, द कलर इंटेंसिटी ऑफ हेलोजन इंक्रीज, कलर इंटेंसिटी इंक्रीज, ठीक है ना। एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, कलर इंटेंसिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं। देखो जैसे फ्लोरीन, कलर इंटेंसिटी आप लिख देता, कलर इंटेंसिटी देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी को क्या डाउट है, क्या है, क्या डाउट किसी किस में? नहीं ना? तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो समझ में आ जाएगा ना, कर लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं सब किसी को, ठीक है ना। हेलोजन का कलर किसकी वजह से होता है, पाई टू पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दोनों एंटी बॉन्डिंग है, देखो है या नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पर देखो नेक्स्ट केस क्या मैंने बताया था आपको, कि अगर मान लो कोई हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, ध्यान देना क्या बोला, यदि कोई हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, जब आप ये बनाओगे ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, मतलब थोड़े से उनको क्या बनाना है आपको, नीचे बनाना है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या? नहीं ना, ये कर रखा है सबने, हाँ मनोज कर लिया है ना, लिख लो बेटा, लिख लो है ना। देखिए जो बेसिक है जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, ये अपन ने सिर्फ नाम लिखा है जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिना पढ़े कुछ भी नहीं कर सकते आप इसमें, आपके इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केवल नाम ही है ना, जनरल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हाँ जनरल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने 11th 12th में जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, बातें मत करो बेटा, जैसे 11th 12th में जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल इसका बॉन्ड ऑर्डर ये, उस वैसे क्वेश्चन आने के चांस कम है यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन क्या थोड़े से डेप्थ में आते हैं, तो बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए भाई मेहनत अच्छी करना है। तो जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पढ़ रहे हैं, लेकिन जर्नल कुछ भी नहीं, सबके सब अच्छे स्टैंडर्ड के, तभी कर पाओगे इनको जब आप पढ़ोगे, अच्छी मेहनत करोगे, ठीक है ना। ये हो गया नहीं आता, समझ में आ रहा है सबको, है ना। जर्नल इनऑर्गेनिक इसलिए बोल देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है ना, बेसिक पढ़ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उससे। ये हो गया नहीं आज तक, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो अगर हम
एनर्जी लेवल की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी कम होती है, एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है एक्चुअली। देखो अगर ये बात करें अपन, देखो इन केस ऑफ हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल इन केस ऑफ हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल, देखो हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा आपको नीचे बनाना है। तो देखो जिस मान लो हेट्रोडायटमिक मॉलिक्यूल ए बी है, अब यहां पर अपन ने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ऐसे ज्यादा है, मान लिया ऐसा, तो इसके क्या होगा कि यहां पर तो आप एनर्जी लेवल ए का बनाओगे, यहां पर बी का बनाओ, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी का नीचे बनाओ, बीच में मॉलिक्यूल का बनाना है इस तरह से, ये इस तरह का केस बनेगा। करने का मतलब है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना उसका एनर्जी लेवल नीचे बनाना है, जिसकी कम है उसकी ऊपर बनाना है, और बीच में किसके हो गए मॉलिक्यूल के हो गए, इस तरह का केस आपको ध्यान रखना है। अब वो कितने बनेंगे वो तो डिपेंड करते हैं, जैसे मान लो 1s 1s है तो सेम हो गया, और अदर है तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज भी होगा आगे, यहाँ पर 1s 2s 2p इस तरह से, समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, जैसे इधर देखो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं अपन, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, आप चले हेडिंग डाल लो इसमें, देखो मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राफ, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये अपन को देखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना है। तो देखो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इधर का केस हो गया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इधर का केस जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पेपर का एलिमेंट ऑक्सीजन आया नहीं है, आ गया ना, नाइट्रोजन पेपर का एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया, तो ये किधर का केस होगा, इस साइड का केस। अब देख इस साइड का केस होगा तो क्या होगा, देख समझना आपको, यहां पर मैं चेंज कर दू, कर दो ना यहां पर चेंज, तो देख यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, इसको डायरेक्ट मैं CO का ही बना रहा हूं, अभी आप कुछ मत बनाना, समझना पहले यार, देखो यहां पर नीचे किसका बनेगा, नीचे तो बन जाएगा इस टाइप का बनेगा ना ये, और ऊपर दोनों का बनेगा ये, ठीक है ना, ये केस हो गया। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देना, आप अभी मत बनाना कुछ भी, यहां पर एक बात ध्यान देना कि यहां पर एक तरफ तो कार्बन है और एक तरफ ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसलिए ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल बराबर नहीं बनेंगे, बल्कि थोड़े से क्या होंगे, नीचे की तरफ बनेंगे, समझ में है ना। तो देखो जब आप नोट करो ना तो आपको क्या करना है कि इधर देख लो, इधर मान लिया जैसे कार्बन, इधर हो गया जैसे ऑक्सीजन, ठीक है ना, और बीच में हो जाएगा क्या, बीच में जाएगा CO, सी, समझ में आ रहा है ना। आपको करना क्या कि जब आप ऑक्सीजन के बनाने तो जैसे ये बिल्कुल अभी तो बराबर बने, तो ऑक्सीजन का यहां ना बनाकर थोड़ा सा यहां बना दे इसका, इसको यहां ना बनाकर थोड़ा सा नीचे बना दे, इसको यहां ना बनाकर थोड़ा सा नीचे बना दे, जैसे बना रखे ना ऊपर नीचे इस तरह से, ठीक है, और साथ के साथ यहां पर एक वेरिएशन या मिलता है, देखो या एक्सेप्शनल केस एक तरह से देखा जाए तो ये यहां पर वेरिएशन, ये जो है ना यहां का सिग्मा 2s स्टार ये ऊपर चला जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ने कार्बन 1s2 2s2 2p2 ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 ध्यान देना, जब ऑक्सीजन का बनाओगे तो आप जब नोट करोगे अभी बनाओगे ना, तो ऑक्सीजन के लिए क्या है कि इनको बराबर ना करके थोड़ा सा आप नीचे बना लेना, ये मतलब इस तरह से, और कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी बीच में ऐसा होगा। अब इलेक्ट्रॉन देखो, कार्बन के पास था 6 हो गए, ऑक्सीजन के पास भाई 8 हो गए, 6 और 8 कितने, यहाँ पर 4 है ना, 6 और 8 कितने हो गए 14 हो गए ना, 14 इलेक्ट्रॉन कहां पर बढ़ने हैं आपको, बीच वाले में बढ़ने, तो बीच वाले में 14 इलेक्ट्रॉन भरने, तो देखो ध्यान देना यहां पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया,
14 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं। अब देखो अगर मुझे इसका इस केस में बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो कितना होगा, देखो बॉन्ड ऑर्डर, तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो ये कंप्लीट भरा है, भरा है नहीं भरा, इसको छोड़ा डायरेक्टली केवल यहां से देख ले अपन, यहां से देख ले क्योंकि ये इसका मैं ले लेता हूं साथ में। तो देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे टोटल देखना, यहां पर 2 है और ये कितने हो गए, एक मिनट, ये हो गया ना देखो 6, 2 और 6 8 हो गया टोटल, 8 में से 2 जाएगा कितना बचा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचा है। तो देखो ध्यान देना, यही ले रहा पूरा ले रहा हूं मैं, क्यों ले रहा हूं वो भी बता दूंगा अभी, एक मिनट, इसमें बॉन्डिंग 2 हो गए और 6 हो गए ठीक है यहाँ पर, और ये बॉन्डिंग 6 और है ना, तो इसका स्लाइटली है तो ठीक है। चलो देखो जैसे 8 माइनस 2 बाई कितना होगा 2, इस कंडीशन में कितना आएगा 3.0। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका 3.0। अब देखो जैसे सपोज करो अपन बात करें CO प्लस की, CO प्लस, अब देखो CO प्लस के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में से जाएगा ना, क्योंकि अब हाईएस्ट एनर्जी का तो ये इलेक्ट्रॉन तो आप ऊपर से निकालना शुरू करोगे, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकालोगे तो देखो ये तो बिल्कुल हो गए 2 और 6 8, जबकि यहां पर केवल कितना बचेगा, यहां पर केवल 1 बचेगा, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 1 बाई 2 इक्वल कितना हो गया 3.5। जैसे अपन लिया CO प्लस 2, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो देखो आप इसकी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी गया दूसरा भी, दोनों ही गए ना, तो दोनों जाते केवल कितने बचे गए 2 और 6 8, 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल कितना होगा 4.0। तो कहने का मतलब कार्बन मोनोक्साइड एक्सेप्शनल केस, कार्बन मोनोक्साइड का तो नॉर्मल बैठ रहा है ठीक है ना, लेकिन ये क्या है एक्सेप्शनल केस है, तो आप ध्यान रखना ये है एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। देखिए एक्सेप्शनल केस होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर ये ऊपर है इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो यहां पर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज क्या होता, जिसे मान ले नॉर्मल केस होता तो ये यही होता, नॉर्मल केस होता तो यही पर होता, ये यही पर होता तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बॉन्डिंग में से जाते, तो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कम होते तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता ना, लेकिन यहां पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि इंक्रीज हो रहा है ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन ऐसा मान सकते हैं, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या। अगर मान लो सपोज करो कि कार्बन मोनोक्साइड में इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज ही होता तो भाई आप इसको ऐसा नहीं बनाते, इसको यही पर बना देते ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं होने की जगह इंक्रीज हो रहा है, तो तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से तभी जा सकता है जब एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी मतलब भरा हुआ ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग हो ज्यादा एनर्जी का हो तभी जा सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि थ्योरी बाद में आती है, एक्सपेरिमेंटल जो डाटा होते हैं उनके बेसिस पर थ्योरी लिखी जाती है, समझ में आ रहा है ना। अगर कार्बन मोनोक्साइड में वास्तव में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल रहता, तो इसको अपन ऐसे बनाते ही नहीं, आज अपन इसको नॉर्मली बनाते, इसको यहां पर और इनको ऊपर ही रहने देते, मतलब कुल मिलाकर इसको यही पर बनाते, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा, इसके जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो उस चीज को प्रूव कर ही नहीं रहे, वो तो इस चीज को प्रूव कर रहे कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ, वो तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से जा रहा है इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि इसमें से तो जा नहीं सकते क्योंकि भाई यहां तक तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, इसलिए अपन ने यहाँ पर ऐसा बनाया। तो आप अभी नोट करोगे ना इसको, नोट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो ऑक्सीजन वाले है ना इनको थोड़ा सा क्या बनाना है, नीचे बनाना है, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना। ये लिख रखा है कि सब नीतर वाला है ना, इधर देख लो फिर नोट कर लेना, पहले एक चीज देख लो,
देखो जैसे एचएफ मॉलिक्यूल की बात करें, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, डायग्राम ऑफ एचएफ मॉलिक्यूल, एचएफ मॉलिक्यूल, देखो एचएफ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। देखो एचएफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकलफिकेशन 1s1 है, फ्लोरीन 1s2, 2s2, 2p5 है, समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान देना, फ्लोरीन की बात करेंगे तो भी ये फ्लोरीन में, फ्लोरीन में देखो यहाँ पर क्या है 2s, ये इधर 2s, और वैलेंस सेल को लिखते हैं, ये वैलेंस सेल है ना, और ये हो गया 2p, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, और फ्लोरीन के हाइड्रोजन के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा इस तरह से। तो कहने का मतलब है जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो इंटरमिक्सिंग हो रही है, वो किस किस के बीच में हो रही है, 2p के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में हो रही, नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। लेकिन वैलेंस शेल का पार्ट ये भी तो है, लेकिन इंट्रैक्शन नहीं कर रहा था, नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में आ जाएगा, ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, नॉन। तो जब मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान देना एटॉमिक ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उस कंडीशन में ये तो डायरेक्ट नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में रह जाएगा, क्योंकि इसकी तो इंट्रैक्शन हो ही नहीं रही, इसके साथ हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, और यहां पर क्या, और इसके साथ इंट्रैक्शन हो रही है तो ये बॉन्डिंग बना लेगा, तो बॉन्डिंग में बॉन्डिंग सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों बनेंगे, जबकि इनकी इंट्रैक्शन हो रही है दो की, नहीं हो रही, तो ये भी किस फॉर्म में चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में। तो यहां पर ऐसा होगा, समझना आप, देखो ये हाइड्रोजन का तो 1s, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन की ज्यादा है फ्लोरीन की, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसका क्या बनाना है, नीचे, ध्यान देना जिन दो के बीच इंट्रैक्शन हो रही है ना उनको कंपेयर करना है ऊपर नीचे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसको नीचे, कम वाले को ऊपर, इंट्रैक्शन किसके बीच हो रही है, इसका तो ये तो 2p हो गया, इसका 1s हो गया, हो रहा है नहीं हो रहा, ये 2p और 1s, तो जब आप बनाओगे ना ये, तो फ्लोरीन का 2p भी हाइड्रोजन के 1s से नीचे बनाना है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये फ्लोरीन का 2p बना दिया ये, ठीक है ना, अब फ्लोरीन का देखो 1s भी है, लेकिन इंट्रैक्शन काम में, इंट्रैक्शन में भाग नहीं ले रहा, ये 1s और ये 2p, 1s के अंदर फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो बॉन्ड, एक ऑर्बिटल की इंट्रैक्शन ऑलवेज एक से होती है, दो की दो से हो सकती है, तीन की तीन से हो सकती है, यहां पर तो 1 ही है ना भाई, इनके तीन की इंट्रैक्शन तीन से हो सकती है, लेकिन यहां पर अवेलेबल 3 है क्या अपने पास, नहीं है, इसका मतलब 1 अवेलेबल है तो मैक्सिमम 1 की इंट्रैक्शन 1 से ही होगी, तो 1 की इंट्रैक्शन 1 से होगी तो 2 बनेंगे ना, एक इंट्रैक्शन एक से होगी, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी तो 2 ही तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो 1 तो होगा बॉन्डिंग, 1 होगा एंटी बॉन्डिंग, ये केस हो गया, ये समझ में आ रहा है। तो ये तो हो गया भाई सिग्मा और ये हो गया सिग्मा स्टार, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन देखो अब यहां पर तो टोटल 3 है, टोटल 3 है, यानी 3 में से 2 तो इंट्रैक्शन में भाग नहीं ले रहे ना, इसका मतलब है 2 जो यहां पर है वो नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में बच जाएंगे इस तरह से। अगर नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती नहीं होती, तो नॉन बॉन्डिंग किसके बच रहे हैं, फ्लोरीन के बच रहे हैं ना, 2p वाले यही बच रहे, इसका मतलब इनकी एनर्जी उतनी होगी जितनी इनकी है, लिखा रखा है नॉन बॉन्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। तो एटॉमिक तो ये भी ये भी, लेकिन नॉन बॉन्डिंग इसकी वजह से आया, ये इसके बराबर, इसकी वजह से आता तो फिर इसके बराबर करता, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये नॉन बॉन्डिंग है, दूसरा देखो ये इसकी इंट्रैक्शन हुई क्या, नहीं है ना, तो मॉलिक्यूल में ये भी नॉन बॉन्डिंग बनाएगा। तो देखो ये इधर वाला तो हो गया भाई फ्लोरीन का, इधर वाला हो गया भाई हाइड्रोजन का, बीच वाला हो गया HF का। अब देखो इसकी इंट्रैक्शन हो ही नहीं रही तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो एजिटेड आ गए, ये एक्चुअली क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर भी देखो, यहां पर देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है ना, तो 1 2 3 4 5 6,
सिग्मा बॉन्डिंग में 2 है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में खाली है, ठीक है ना। यहाँ पर ये नॉन बॉन्डिंग, ये कौन से है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है यार, ठीक है ना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो ये नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पर ये कौन से, होमो ल्यूमो, होमो है ना, जबकि ल्यूमो कौन सा है, ये ल्यूमो है। तो अगर होमो ल्यूमो डायरेक्ट पूछ ले तो भाई होमो नॉन बॉन्डिंग है, यहाँ पर ल्यूमो एंटी बॉन्डिंग है। समझ में आ रहा है। अब देखो HF मॉलिक्यूल जब अपन बनाएंगे, HF मॉलिक्यूल इधर देखो, ध्यान देना, HF मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इधर देखो सभी HF में देखो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए बॉन्ड के। क्लोरीन के पास देखो टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, 4 6 हो गया ना, 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर फ्लोरीन पर ही। किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरह से किसी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, बना सकते हो ना, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है ना, करो तो क्या तक नोट है ना, करो। बॉन्ड ऑर्डर इससे निकालोगे ना, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करोगे, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग 2 2 माइनस 1 2 माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल 1 1 ही तो बॉन्ड है यहाँ पर। इधर देखो अगर इसका अपन को क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर, तो कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल, देखो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 अपॉन 2 इक्वल 1.0 आ गया ना। जब बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में थोड़ी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं, उनका बॉन्ड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ रहा है ना, कर लो, देखो इसको नोट कर लो सभी। कर लिया ना सबने, किसी को कोई डाउट तो नहीं आता, समझ में आ रहा है, चलो देखते हैं। हाँ क्या इसमें, हाँ ये यहाँ पर है ना फ्लोरीन का है ना, तो ये कर देना, ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं ना, है ना, ये कर रखा है। तो यहाँ पर देखो समझना, इसमें कई तरह के क्वेश्चन से बनते हैं, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करी कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो उसके बेसिस पे देख सकते हो ट्रांजिशन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है और साथ में स्टेबिलिटी के ऑर्डर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो MOT से कई तरह के क्वेश्चन से बनते हैं कुल मिलाकर, ठीक है ना। अब देखो समझ रहा, देखो अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो क्या करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर समझना, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 20 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ठीक है ना। यहां पर लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देखो 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 3.0 आता है, जैसे नाइट्रोजन का 3.0 आ रहा था ना, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है या नहीं, 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3.0। अब आप जब इधर मूव करोगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा, इधर मूव करोगे तब भी डिक्रीज होगा, तो देखो इधर मूव करने पर बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा,
2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 और 0.0। समझ में आ रहा है? इधर आओगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा, तो यहां पर होगा 2.5, 2.0, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5, यहां पर क्या होगा 0.0। समझ में आ रहा है? अब इधर वेरिएशन थोड़ा सा देखने को मिलेगा। तो देख यहां तक तो केवल 8 इलेक्ट्रॉन तक की बात है ना, तो यहां पर देखो पहले केस में तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्डिंग में जाएगा 0.5, फिर 1.0, फिर 0.5, 0.0, फिर यहां पर 0.5, 1.0, फिर 0.5, 0.0, ये होगा ना। या इसको लिख लेना, बराबर लिख लेना, या मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा 0.5, 1.0, 1.5, 0.5, 1.0, 0.0, 0.5, 1.0 और 1.5, ये यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो देख आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो समझना 14 पर 3.0 होगा, उसके बाद इधर जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा 0.55, इधर जाओगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा 0.55, कहाँ तक? एट तक। कहाँ तक डिक्रीज होगा? एट तक। अब इसके इधर वाला जो केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो 1 पर 0.5, 2 पर 1.0, इसलिए ये केस है। देखो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो जाते हैं ना कंप्लीट, है ना। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 1 माइनस 0.1 माइनस 0.2, 0.5, फिर 2 पर 2 माइनस 0 अपॉन 2, 1.0, फिर 3 पर 2 माइनस 1 अपॉन 2, 0.5, 4 पर 2 माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल 0, आ गया ना। फिर उसके बाद वापिस सेम होगा, वापिस 0.5, 1.0, फिर 0.5, फिर 0.0, आ गया ना। तो आगे आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है, 0.5, 1.0, 0.5, 0.0, फिर सेम 0.5, 1.0, 0.5, 0.0, और यहां से आपको ध्यान रखना है 14 पर 3 है, उसके इधर जाओ और इधर जाओ 0.5 डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखो जैसे कुछ एग्जांपल यहां पर लेकर देखते हैं, ध्यान देना। जैसे मैंने लिया N2, भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7 और 7, 14 हो गए ना, 14 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा है 3.0। समझ में आ रहा है? हमने ले लिया NO, NO पर टोटल इलेक्ट्रॉन देख 7 प्लस 1, 7 प्लस 8, 15, 15 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 15 पर आ रहा है 2.5। समझ में आ रहा है? जैसे हमने ले लिया O2 माइनस 1, देखो 16 प्लस 1, 17 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.5। समझ में आ रहा है? हमने ले लिया जैसे O2 माइनस 2, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1 हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? हमने ले लिया जैसे HE2 पर देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, 2, 2, 4 हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर 0 है ना, बॉन्ड ऑर्डर 0। देखो ध्यान देना, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0.0 आ गया तो ऐसा मॉलिक्यूल नहीं बनता। यदि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो, देखो इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल 0.0 तो मॉलिक्यूल क्या होता है, नहीं बनता। देखो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज नॉट बॉन्ड। एग्जांपल जैसे HE2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका मतलब HE2 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। NE2 देखो आप, NE2 10 और 10, 20 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। हम बात करें जैसे कोई सा ले लो, कुल मिलाकर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, ये नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? BE2 की बात कर लो,
B2 4 और 4 8 8 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 0 इसका मतलब ये नहीं बनेगा समझ में आ रहा है ना और देख सकते हैं अपन जैसे मान लो CO की बात करें CO में देखो 6 प्लस 8 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर 3. किसी मॉलिक्यूल का देख सकते हो ऐसे एक्सेप्शनल केस है देखो एक्सेप्शनल केस देखिए एक्सेप्शनल केस है CO प्लस एंड CO प्लस देखो बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर देखना है CO प्लस का तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5 देखो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने 6 ऑक्सीजन के पास 8 टोटल 14 में से गया 13 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5 जबकि यहां पर कितना है 3.5 कैसे आता है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर अपन ने देख रखा है समझ में आ रहा है ना CO प्लस 2 बॉन्ड ऑर्डर 4.0 जबकि इसमें तो केवल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना 12 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.0 जबकि आ कितना आएगा कितना इसका होगा कितना 4.0 इसलिए एक्सेप्शनल है मतलब जो यहाँ पर लिखा है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा एक्सेप्शनल केस हो गया ना कोई डाउट है कि किसी को नहीं ना तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट ही आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो जैसे आपसे पूछ ले आयोडीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो जो F2 का ही वही है तो आपको ये नहीं कि आयोडीन का तो एटॉमिक नंबर ही काफी ज्यादा हो गया एटॉमिक नंबर आयोडीन का जो 53 हो गया 53 प्लस 53 106 आपको 106 इलेक्ट्रॉन भर के देखना है इतना तो अपने पढ़ाई नहीं ऐसा नहीं देखना आप ऊपर वाला मॉलिक्यूल देख लो आयोडीन सबसे ऊपर फ्लोरिन का देख लो कितना है 1.0 है ना तो देखो जैसे फ्लोरिन का देखा F2 ये तो एक्सेप्शनल क्या है ना F2 में कितना आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना टोटल 18 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है बॉन्ड ऑर्डर है 1.0 तो इसका मतलब है भाई देखो बॉन्ड ऑर्डर फॉर F2 Cl2 Br2 और I2 सभी के लिए कितना आएगा 1.0 आएगा कोई डाउट है क्या नहीं है ना अब यहां पर एक बात ध्यान देना यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है ध्यान देना मैंने क्या बोला यदि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है तो वह मॉलिक्यूल हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर तभी आएगा जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ऑड हो ऑड इलेक्ट्रॉन आते ही बॉन्ड ऑर्डर अपने आप ही फ्रैक्शनल बन जाएगा और ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा आई होंगे तो उनके आप कंप्लीट पेयरिंग करवा सकते हो क्या ऑड इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट पेयरिंग आप नहीं करा सकते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही सही समझ में आए ना तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर क्या हो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो तो हमेशा क्या होगा पैरामैग्नेटिक लेकिन बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर हो तो वो पेरा या डाया कुछ भी हो सकता है फिर कोई तरीका नहीं फिर आपके इलेक्ट्रॉन भर के देखना है समझ में आ रहा है ना तो देखो इंपॉर्टेंट करके यहां पर लिख लेते हैं देखो अगर बॉन्ड ऑर्डर इफ देखो बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर क्या हो फ्रैक्शनल हो है इस तरह से लिख देता हूं मैं इसको देखो देखो यहां पर देखो बॉन्ड ऑर्डर में दो केस बना देता हूं देखो बॉन्ड ऑर्डर एक तो फ्रैक्शनल होने पर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा ना देखो मॉलिक्यूल एच ऑलवेज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर यदि फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शनल का मतलब समझ गए ना 0.5 1.5 2.5 एटसेट्रा इस तरह से ठीक है और यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर ठीक है ना बॉन्ड ऑर्डर क्या फुल नंबर या होल नंबर कर दो फुल नंबर लिख देता हूं बॉन्ड ऑर्डर यदि फुल नंबर हो फुल नंबर समझ गए ना जैसे यहां पर 1 2 3 एटसेट्रा इस तरह से तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल है पेरा या डाया दोनों हो सकते हैं पेरा भी हो सकता है डाया भी हो सकता है आप कैसे चेक करोगे
एमओटी के बेसिस पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर। तो देखो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मे बी पेरा और डाया मैग्नेटिक। लेकिन इसको चेक करना है, देखो चेक बाय द एमओ डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर उसको चेक करना है। तो देखो बहुत सारी 50% प्रॉब्लम तो खत्म हो गया ना, बॉन्ड ऑर्डर आपको डायरेक्ट यहां से पता चल जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर में 50% प्रॉब्लम खत्म होगी, पेयर आ गया, सॉरी फ्रैक्शनल आ गया तो सोचना ही नहीं, पेयर ही होगा। तो प्रॉब्लम केवल किसकी बची, जहां पर फुल नंबर आ रहा है तो उसको आप देख लो। किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं ना, समझ में आ रहा है सबको? करो देखो नोटिस को। कर ले सबने, कर लेना। हाँ तो ये प्रॉब्लम शीट सेकंड में आप जो क्वेश्चंस दे रखे उनको सोल्व करो। देखो क्वेश्चंस में आपको देखो ध्यान देना, क्वेश्चन इसमें सोल्व करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम शीट सेकंड में ना, प्रॉब्लम शीट सेकंड में क्वेश्चन नंबर फोर फाइव कर लेता हूँ ना, फाइव सिक्स बिक ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर आप पूरे देख लो कंप्लीट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर फोर टू कोई दिक्कत नहीं, देख लो क्वेश्चन नंबर फोर टू 18 प्रॉब्लम शीट सेकंड में क्वेश्चन नंबर फोर टू 18 करो देखो सॉल्व, है ना। जो कर लिया उसको छोड़ देना, अगर एक दो क्वेश्चन बीच में कर रखे हैं ना उनको छोड़ देना। 4 टू 18 की क्वेश्चन देखो, करो देखो जल्दी से, है ना। ये तो नोट कर रखा है ना सबने, ये नोट कर लिया ना सबने, करो इन क्वेश्चन को जल्दी से कर लो। देख क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन NO एंड CO, देखो NO एंड CO, इसमें आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रेस्पेक्टिवली। देखो NO के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15 हो गए ना, 15 इलेक्ट्रॉन होते ही क्या होगा, देखो 14 तक तो नीचे रह गए भाई। आप यू बनाओगे ना, देखो इधर नाइट्रोजन से ऊपर वाला एलिमेंट आ गया ना, तो इधर वाला केस बनाओगे तो यहाँ पर हो गया, देखो ये वन इधर वाला बना दो डायरेक्ट ही, देखो ये वन टू ये टू वन इस तरह से। तो यहाँ पर आप 15 इलेक्ट्रॉन, अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने, डायरेक्ट लास्ट वाला लिख दो टू एस टू टू पी थ्री, ऑक्सीजन के पास तो एस टू टू पी फोर, तो केवल ये ले लो आप, कौन से ये वाले लोगे तो देखो टोटल कितने हो गए, सेवन हो गए ना, सेवन इलेक्ट्रॉन भरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। देखो ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, समझ में आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा है सीओ है ना, तो देखो सीओ की बात करेंगे तो देखो सीओ कार्बन मोनोक्साइड में देखो जो अपन ने बनाया था ना एक ऊपर स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग रहता है, वो तो एक्चुअली नीचे वाला ही तो है ना, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है ना, कंसिडर नहीं करना आपको। तो फिर नॉर्मल केस रहेगा तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, जीरो होंगे, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल जीरो। कोई डाउट है क्या, समझ में आ रहा है ना? टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल अगर आ जाते हैं तो फिर सभी को जोड़ दो, फिर जितने भी एंटी बॉन्डिंग है ना, फिर
भाई स्पेस लेकर वो उसी की बात करे कि टोटल बताओ आप तो सभी को जोड़ लो, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, मतलब एंटी बॉन्डिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं ना आपने सभी को जोड़ लो, नहीं फिर आप ले लो उसको ना टोटल में, है ना, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है क्या? नहीं ना, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट है क्या? नहीं ना, 13 के अंदर नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, द मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज अपॉन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन से बढ़ाने पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़ने पर बॉन्ड ऑर्डर किसका बढ़ेगा? देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर जाएगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना भाई। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या होता है? एन बी माइनस एन ए अपॉन टो। तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्डिंग में बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो आप जो इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जुड़े तब जाकर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब जुड़ेगा? देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तो भाई 16 इलेक्ट्रॉन है, पहले से एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसमें तो नेक्स्ट जाएगा वो भी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। B2 में देखो इस तरह से भरोगे ना, B2 इधर वाला केस 2 1 और 2 1, इलेक्ट्रॉन यहां पर भरोगे तो देखो 1 2 भाई। B2 में क्या है? बोरोन है ना, 1s2 2s 1s2 2s2 2p1, तो p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो B2 में p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्यों लिए होगे? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग है ना। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी किस में जाएगा? बॉन्डिंग में जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या घटेगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो B2 आंसर होगा। देखो नेक्स्ट है P2 और N2, P2 और N2, तो N2 देख लो आप, N2 में जो होगा वही P2 में होगा, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है ना। तो आंसर होगा B2। किसी को कोई डाउट है क्या? देख क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन N2 एंड O2 प्लस। देखो N2 में होमो कौन सा है? देखो होमो कौन सा है, आप इलेक्ट्रॉन भरोगे ना N2 के केस में, P3 आएगा नहीं आएगा? P3, तो N2 का इधर वाला केस है 2 1, ये होमो होगा, फिर 2 1 ये ल्यूम होगा, तो ये कौन सा है? होमो। ये कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। और यहाँ पर देखो ये भी दे रखा है ना, टेक ए एक्स एक्सिस एच इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या माना है? इंटरन्यूक्लियर, इसका मतलब है पी एक्स सिग्मा बनेगा, इसका मतलब ये पी एक्स वाला होगा, जबकि ये पी वाई और पी जेड होगा, ठीक है ना। तो होमो किससे बन रहा है? देखो सिग्मा 2px इससे बन रहा है होमो, कोई डाउट है क्या? नहीं ना। O2 प्लस की बात करो तो इलेक्ट्रॉन 15 हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे आप ऊपर भरोगे, ऊपर भरते ये होमो बनेगा। तो देखो एक्स तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, तो वो तो क्या बनाएगा? सिग्मा बनाएगा, इसका मतलब पाई कौन बनाएगा? ये या तो ये होगा px या फिर py, समझ में। एंटी बॉन्डिंग है तो एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर होगा, जैसे पाई 2px लिख दो या फिर पाई 2py लिख दो, दोनों ही हो सकते। एक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर कर रखा है। हाँ मनोज समझ में आया नहीं? मनोज नहीं समझ में? चलो देखो दोबारा, अभी अपन ने बात करी ऑटो का, तो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना भी तो रखा है। ऑक्सीजन के पास कितना है? 1s2 2s2 2p4 है या नहीं? तो आप ऑक्सीजन का बनाओगे ना तो किधर बनेगा? इधर वाला बनेगा ना, तो देखो इधर वाला बनेगा तो क्या होगा? 1 2 2 1 यही बनेगा ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं? 4 और 4 8 8, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन आप किसका थोड़ी बनाना है, आपको तो ऑटो प्लस का बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो ये होमो होगा नहीं होगा? होमो ही तो पूछा है आपसे। तो एक्स एक्सिस तो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, इसका मतलब वो तो सिग्मा बनाएगा, ये तो पाई है, पाई में भी पाई स्टार,
जिसको हम यदि सिग्मा 2px होगा या सिग्मा सॉरी पाई 2px स्टार या पाई 2py स्टार होगा, जो भी ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में नहीं ना डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट है क्या? नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 18 में नहीं डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, देख क्वेश्चन नंबर 16। फॉर ए होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, देखो होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और आपसे क्या पूछा है? द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, देखो कौन सा बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, बीएमओ आपसे पूछा है। अब देखो ध्यान देना, बीएमओ ए ऑप्शन दे रखा है सिग्मा अनजीरेड लोवेस्ट एनर्जी। देखो सिग्मा अनजीरेड, भाई अनजीरेड तो एंटी बॉन्डिंग होता है, आपसे तो बॉन्डिंग पूछा है ना, तो ये तो ए तो होगा नहीं ऑप्शन, ये तो कट गया। बी देखो सिग्मा अनजीरेड ऑफ सेकंड, देखो सिग्मा अनजीरेड एंटी बॉन्डिंग होगा, ये भी कट गया। सी देखो पाई जीरेड एंटी बॉन्डिंग होता है ना। नेक्स्ट कौन सा है? पाई अनजीरेड बॉन्डिंग होता है, ये तो बता रखा है ना कि अनजीरेड जीरेड कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या इनमें से? 18 तक नहीं है ना डाउट, समझ में आ रहा है यहाँ तक?